रसल रदरफोर्ड ने मचाया तूफान, गंभीर क्यों हो गए परेशान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। जी हाँ, आईपीएल 2024 से पहले केकेआर के लिए बड़ी अच्छी खबर है, केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं, लेकिन एक टेंशन भी हो गई है भाई साहब गौतम गंभीर को। अच्छे संकेत तो ये है कि भाई साहब रदरफोर्ड ने फोड़ डाला, आंद्रे रसल ने तोड़ डाला, दोनों ने भाई साहब तूफान मचा दिया, दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी कर दी, शानदार तूफानी अंदाज में खेल दिखाया, दोनों ने तूफानी अंदाज में अर्धशतक लगाया। ये तो केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं। केकेआर बड़ी खुश हो रही है, केकेआर के फैंस बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई साहब हमारे खिलाड़ियों ने मैदान पर जाकर तूफान मचा दिया। लेकिन इस तूफान के पीछे की जो अशांति है, इस तूफान के पीछे की जो खलबली है, उसे कोई नहीं समझ पा रहा है, और इस खलबली ने गौतम गंभीर की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब खबर यह है कि भाई साहब रदरफोर्ड ने फोड़ तो दिया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को, लेकिन उसके बावजूद इनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि केकेआर फंस गई है। रदरफोर्ड की शानदार बल्लेबाजी के बाद केकेआर का खेमा परेशान है। परेशान क्यों है? परेशान यह है कि आपको पता है कि आईपीएल में किसी भी टीम की तरफ से केवल 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं, और केकेआर में ऑलरेडी 4 हैं, जैसे कि आपके रहमतुल्लाह गुरबाद, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क तो 100% खेलेंगे, 3 तो 100% खेलेंगे, चौथे खिलाड़ी के तौर पर सुनील नरेन भी 100% खेलेंगे। तो ऐसे में अब रदरफोर्ड को कैसे खिलाया जाए? अब क्रिकेट फैंस का मानना है कि भाई साहब रदरफोर्ड को तो मौका जरूर मिलना चाहिए, रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी को तो बाहर रखना बहुत गलत हो जाएगा। रदरफोर्ड को प्लेइंग 11 में खिलाए जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, अगर रदरफोर्ड प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो 5 नंबर पर रिंकू सिंह आएंगे, 6 पर रसल आएंगे, 7 पर रदरफोर्ड आएंगे, केकेआर का लोअर ऑर्डर बहुत मजबूत हो जाएगा, मध्यम क्रम केकेआर का सबसे तूफानी हो जाएगा। केकेआर का फैंस का कहना है कि रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना केकेआर के लिए बहुत गलत होगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर रदरफोर्ड को खिलाएंगे तो किसकी जगह, क्योंकि 4 खिलाड़ी तो ऑलरेडी पहले से सेट है। तो क्या गौतम गंभीर अब यह कदम उठाएंगे और सुनील नरेन को बाहर बैठाकर रदरफोर्ड को खिलाएंगे? क्योंकि अगर सुनील नरेन की मैं बात करूं तो बल्लेबाजी तो कर नहीं पा रहे हैं, गेंदबाजी करते हैं, एक विकेट चटकाते हैं। तो ऐसे में केकेआर के पास स्पिनर्स तो हैं, उनके पास इस वक्त वरुण चक्रवर्ती अच्छी फॉर्म में है, विकेट चटका रहे हैं, श्रेयस शर्मा बहुत अच्छे गेंदबाज है, नीतीश राणा गेंदबाजी कर सकते हैं, रिंकू सिंह गेंदबाजी कर सकते हैं, तो केकेआर के पास गेंदबाजी की प्रॉब्लम नहीं है। उधर से वेंकटेश अय्यर इस बार अच्छा कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क आ गए हैं, हर्षित राणा है, गेंदबाजी केकेआर के पास अच्छी है। तो क्या केकेआर एक बल्लेबाज को खिलाने के लिए सुनील नरेन का बलिदान करेगी? क्या सुनील नरेन को बाहर बैठाकर रदरफोर्ड को खिलाया जाएगा? क्या यह फैसला केकेआर को लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? रदरफोर्ड को अगर मौका मिले तो कैसे मिले? केकेआर की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।